दोस्तों आप देख रहे हैं शद्दू टेक्निकल। आज मैं आपको इस वीडियो का ट्यूटोरियल देने वाला हूं, आईफोन रिवर्स का ये वीडियो कैसे बनाई गई है, वो भी एक ऐप से, ओनली काइंड मास्टर से। दोस्तों हाँ बिल्कुल, आप काइंड मास्टर से ऐसी वीडियो बना सकते हैं। तो दोस्तों एक दोस्त के पास कमेंट आई थी, तो वो कह रहे थे मैंने रिवर्स ऐप का यूज़ करा था, तो उससे घर में क्वालिटी वीडियो की बिगड़ गई। वो मैंने स्लो में लगाया दूसरे में, तो उसमें भी क्वालिटी बिगड़ गई। तो मैं खाली काइंड मास्टर से सिखाऊंगा आपको, आप सारे काम कर सकते हो, बिल्कुल ऐसी वीडियो बना सकते हैं। तो चलो चलते हैं काइंड मास्टर की तरफ। दोस्तों यार तुम्हें और कोई सी वीडियो को टोटल चाहिए तो यार इस वीडियो में कमेंट कर सकते हैं, या मैंने अपना व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है वहाँ, मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप कोई वीडियो भेज के उस वीडियो को टोटल आपको दे दूंगा दोस्तों। तो आप डिस्क्रिप्शन में जाकर देख सकते हैं, मेरा व्हाट्सएप नंबर है दोस्तों वहाँ। तो यहाँ पर हम अपने वीडियो पे प्लस के आइकन पर क्लिक करते हुए बीच का रेशियो ले लेते हैं। और हमने ऊपर यहाँ मीडिया पर क्लिक करा, और यहाँ आपको यहाँ पर जो आपने वीडियो शूट करी, मैंने दो वीडियो शूट करी है, तो अपनी वीडियो शूट ले लेता हूँ, दोनों सिंपल से दिखा देता हूँ आपको। पहले आपको एक एक करके ऐसे शूट करनी है। पहले दोस्तों आपको एक वीडियो शूट करनी है, उस कैमरे मोबाइल को नीचे जो करके गिराना है, फिर दूसरे के दूसरे कपड़े पहन के उसमें भी ऐसी शूट करनी है, मोबाइल को उसे भी ऐसे ही गिराना है दोस्तों। तो यहाँ पे आपको एक्स्ट्रा पार्ट वो कट कर लेना है। तो मैं एक्स्ट्रा पार्ट कट कर लेता हूँ, जहाँ मोबाइल गिरने वाला है, यहाँ मोबाइल गिरने वाला है मेरा, तो मैं यहाँ का एक्स्ट्रा पार्ट ये कट कर लेता हूँ। तो मैंने एक्स्ट्रा पार्ट पूरा कट कर लिया है, और थोड़ा मैं आगे जाके देखता हूँ तो यहाँ पर मेरा कैमरा मोबाइल गिर चुका है, तो यहाँ से भी मैं इसको थोड़ा ट्रिम कर देता हूँ, ये मैंने तरह का हिस्सा काट दिया। मैं दूसरी वीडियो पाता हूँ, दूसरी वीडियो का भी ऐसे ही साथ देखता हूँ, जहाँ से मोबाइल गिराता हूँ वो मोबाइल देख लेता हूँ। मैं यहाँ से मोबाइल गिराने वाला हूँ गिरा, तो थोड़ा मैंने क्या करा, इस मोबाइल को यहीं से ले कर इधर का हिस्सा ट्रिम कर दिया फालतू बेकार हिस्सा, और यहाँ तक मेरा मोबाइल ये गिर चुका है। तो मैंने इस चीज़ को काट गए और इस चीज़ पर क्लिक कर गए, यहाँ पर स्पीड दिखाई दे रहा होगा दोस्तों आपको, जब वीडियो पर आप क्लिक करेंगे तो यहाँ स्पीड दिखाई दे रहा होगा आपको, ये रहा आपको यहाँ क्लिक करके थोड़ा इधर की साइड करना है, इससे भी आपकी वीडियो स्लो मो हो जाएगी थोड़ी बहुत, और थोड़ी बहुत ये वीडियो चाहते आप इसे भी थोड़ी बहुत स्लो मो कर सकते हैं। तो यहाँ पर मैंने वीडियो को पहले मैं साउंड म्यूट कर देता हूँ, यहाँ पर जो मेरी साउंड म्यूट कर देता हूँ, और मैं उस वीडियो का साउंड ले लेता हूँ जिस पर मेरी लगानी है। तो चलते हैं अपनी उस वीडियो का, तो वीडियो पर आप क्लिक करके लेयर पर जैसे ही आप थोड़ा सा स्क्रॉल करेंगे तो यहाँ पर आपको सबसे नीचे दिख जाएगा एस्ट्रैक्स ऑडियो, यहाँ पर आपको दिखाई दे रहा होगा एस्ट्रैक ऑडियो। जैसे आप उस पर क्लिक करेंगे तो इस वीडियो का साउंड निकल जाएगा, और आपको इस वीडियो को डिलीट कर देनी है। तो साउंड आया, मैं उसी वीडियो का हिस्सा आपको उस पर क्लिक करना है, और उसको थोड़ा यहाँ पर आप देखते हैं रिवर्स लिख रहा दोस्तों, यहाँ ऑप्शन दे दिया गया है काइंड मास्टर में रिवर्स का ऑप्शन, आप सब पर देखते हैं कि रिवर्स लिख रहा दोस्तों, तो आपको उस पर क्लिक करना है, आपकी रिवर्स वीडियो हो जाएगी। अभी यहाँ पर काइंड मास्टर से आप वीडियो रिवर्स कर सकते हैं, ये बढ़िया ऑप्शन दिया हुआ है बिल्कुल यहाँ, और आप वीडियो को परफेक्ट तरीके से बना सकते हैं। तो ये हमारी वीडियो थोड़ी बहुत रेडी हो चुकी है, और ये मैं आपको यहाँ दिखाता हूँ प्ले करके जरा हमारी वीडियो कैसे बनी है। तो हमारी वीडियो थोड़ी ऐसे बनी है, थोड़ी इसके हम इसमें थोड़ी कर देते हैं, बाद में साउंड आया, तो अभी यहाँ हमारी वीडियो मस्त लगेगी आप देखते हैं। तो देखते हैं आप आसानी से ऐसी वीडियो बना सकते हैं, और थोड़ी मेरी वीडियो क्वालिटी सही नहीं, मेरा कैमरा सही नहीं था, तो इसमें से आप ऐसी वीडियो बना सकते हो, काइंड मास्टर से आपने देखता। तो यहाँ पर ऐसी तो दोस्तों आप वीडियो अच्छे लगे तो लाइक जरूर कर दो, और हमारे शद्दू टेक्निकल सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि इंस्टाग्राम से यूट्यूब से वीडियो टोटल देते रहते हैं हम।